गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आशा गौतम, योर इंग्लिश टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ अवर सिलेबस, दैट इज हाउ फार इज द रिवर. इन दिस चैप्टर अ यंग बॉय प्लान्स टू गो टू रिवर फॉर विच ही हैज़ क्रॉस अ माउंटेन एंड ऑल ही हैड फॉर फूड इन अ लॉफ ऑफ ब्रेड विद हिम. लेट्स रीड द चैप्टर एंड फाइंड आउट इफ ही सक्सीड इन रीचिंग नियर द रिवर. Before we begin the chapter, here is an activity in which you have to draw the boy's path to the river. यहाँ आप देखिए एक एक्टिविटी है जिसमें यहाँ पे बॉय खड़ा है और आपको उसके पाथ तक पहुँचाना है, उसको रास्ते तक पहुँचाना है. और यहाँ पे एक मेज़ दिया हुआ है, मेज़ मीन्स भूल भुलैया है, और बॉय को आपको उसके रास्ते तक पहुँचाना है, आपको इसको क्रॉस करते हुए. क्लियर है? A young boy set his heart on going to the river on the अदर साइड ऑफ अ माउंटेन. एक यंग बच्चा अपना मन बना चुका होता है रिवर की साइड को देखने के लिए, जो माउंटेन के अदर साइड पे है. डज ही गेट देयर, क्या वो वहाँ जा पाता है? सो लेट्स रीड द चैप्टर. सेक्शन वन. बिटवीन द बॉय एंड द रिवर स्टूड अ माउंटेन. एक बॉय और रिवर के बीच में एक माउंटेन खड़ा है. द बॉय वॉज यंग, द रिवर वॉज स्मॉल एंड द माउंटेन वॉज बिग. जो बॉय है वो यंग है, जो रिवर है वो स्मॉल है, लेकिन जो माउंटेन है बहुत बड़ा है. द थिकली फॉरेस्टेड माउंटेन हाइड अ द रिवर, बट द बॉय न्यू इट वॉज देयर वेयर इट वॉज एंड वॉट इट लुकड लाइक. जो एक बड़ा सा माउंटेन है, थिकली माउंटेन है, उसने जो रिवर को हाइड किया हुआ, छुपाया हुआ है, लेकिन बच्चा जानता है कि वहाँ पे एक रिवर है, लेकिन वो कैसा लगता है और कैसा है वो इसको देखना चाहता था. ही हैड नेवर सीन द रिवर विद हिज ओन आइज. यंग बॉय है, उसने जो रिवर को अपनी आंखों से नहीं देखा होता है. बट फ्रॉम द विलेजर्स ही हैड हर्ड ऑफ इट, लेकिन उसने विलेजर से इस रिवर के बारे में बहुत सुना होता है. ऑफ द फिश इन इट्स वाटर, ऑन इट्स रॉक्स एंड करंट एंड वाटरफॉल्स, एंड इट ओनली रिमेन्ड फॉर हिम टू टच द वाटर एंड नो इट पर्सनली. जो उसने विलेजर्स से बहुत कुछ सुना होता है इस रिवर के बारे में, कि इस रिवर में फिश है, रॉक्स हैं, वहाँ पे लहरें हैं, वाटरफॉल्स होता है, अब सिर्फ उसके लिए क्या बचा होता है कि वहाँ रिवर को जाए, टच करके उसको पर्सनली देखे कि यह सब कुछ सच में है. ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द हिज हाउस एंड द हिल अपोजिट द माउंटेन एंड गेज अक्रॉस द वैली ड्रीमिंग ऑफ द रिवर. वो अपने घर के बाहर खड़ा हुआ है जो हिल पे है, अपोजिट साइड के माउंटेन पे, और ये सोच रहा है कि वो ड्रीम सोचते हुए देख रहा है सब कुछ, और ड्रीम कर रहा है कि वो रिवर की तरफ कैसे जा पाएगा रिवर की साइड पे. ही वॉज अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, अ स्टडी बॉय विथ अनटाइडी ब्लैक हेयर एंड शाइनिंग ब्लैक आइज. जो वो बॉय है वो 12 ईयर्स का है और वो एक फिट बॉय है, और जो उसके हेयर्स हैं उसने अच्छे से उनको कॉम नहीं किया हुआ है, वो सारे बिखरे हुए हैं, अनटाइडी हो रहे हैं सारे. उसकी जो आइज़ हैं ब्लैक कलर की है, शाइनिंग आइज़ हैं उसकी. ही हैड फाइन फीचर्स एंड क्लियर ब्राउन स्किन, बट हिज हैंड्स एंड फीट वर रफ एंड स्क्रैच. हैड फाइन फीचर्स मीन्स वॉज गुड लुकिंग. जो बॉय है वो गुड लुकिंग बॉय है, और उसकी जो स्किन है वो ब्राउन कलर की है, बट उसके जो हैंड्स हैं और फीट हैं, पैर हैं, वो बहुत रफ हो रहे हैं और उनके में निशान पड़े हुए हैं, स्क्रैच आए हुए हैं. ही वॉज बेयर फुटेड, नॉट बिकॉज ही कुडंट अफोर्ड शूज, बट बिकॉज ही फेल्ट फ्री इन हिज बेयर फीट. जो उसने पैर में कुछ भी नहीं पहना, वो नंगे पैर है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो जूते नहीं खरीद सकता, लेकिन इसलिए कि वो उसको जो बिना शूज़ के बहुत अच्छा फ्री फील करता है वो. ही लाइक टू फील ऑफ वार्म स्टोन्स एंड कूल ग्रास एंड नॉट वेयरिंग शूज सेव्ड हिम टू ट्रेवल ऑफ टेकिंग दैम ऑफ. जो वो बॉय है उसको शूज़ पहनना नहीं पसंद, वो उसको अच्छा लगता है कि ग्रास में ऐसी घूमे, वो उसको वार्म लगता है ग्रास, स्टोन्स पर उसके पैर पड़े, ये सब उसको रिफ्रेशिंग लगता है, अच्छा लगता है, और वो जो बार बार जूते पहनने उतारने से इस परेशानी से बच जाता है. इट वॉज 11 o'clock एंड ही न्यू हिज पेरेंट्स वुडंट बी होम टिल इवनिंग. 11 बज चुके थे और वो जानता था जो उसके पेरेंट्स हैं वो बाहर गए हुए हैं और वो शाम से पहले घर वापस नहीं आएंगे. देयर वॉज अ लॉफ ऑफ ब्रेड ही कुड टेक विद हिम एंड ऑन द वे ही माइट फूड फाइंड सम फ्रूट. उसके पास ब्रेड का लॉफ ऑफ ब्रेड थे जो अपने साथ लेके जा सकता था, और वो रास्ते में उसको कुछ फ्रूट भी मिल जाते खाने के लिए. हेयर वॉज द अपॉर्चुनिटी ही हैड वेटेड फॉर. ये अपॉर्चुनिटी थी जिसका वो इतने टाइम से वेट कर रहा था. इट वुड नॉट कम अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज इट वॉज नॉट वेरी ऑफन हिज मदर एंड फादर विजिटेड रिलेटिव फॉर द इंटायर
डे एंड लेट हिम ऑन हिज ओन, जो कि कहते हैं उसको ये टाइम मिला था, बहुत टाइम बाद मिला था, क्योंकि इतना उसको दोबारा टाइम नहीं मिल सकता कि उसकी जो मम्मी पापा हैं वो रिलेटिव्स के गए हुए हैं और पूरा दिन वो वहीं रहेंगे और शाम तक ही आ पाएंगे, तो उसको ये बहुत सी अपॉर्चुनिटी थी कि इस टाइम वो जा सकता था रिवर को देखने। दे हैड गॉन आउट ऑफ समथिंग इम्पॉर्टेंट, दैट वॉज वाई ही हैड बीन लेफ्ट विद अ वेरी स्केचली मील, अ लॉफ ऑफ ब्रेड, सम मिल्क एंड टू एग्स। स्केची मील्स मीन्स नॉट अ प्रॉपर मील। वो बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए एक एडवांस उनको जाना पड़ गया, इस वजह से वो उसके लिए प्रॉपर मील भी प्रिपेयर नहीं कर पाए। उसके लिए उसके पास क्या था, लॉफ ऑफ ब्रेड थे, कुछ मिल्क था और टू एग्स थे खाने के लिए। इन टू द हाउस एंड रैप द लॉफ इन अ न्यूज़ पेपर, वो अंदर घर में जाता है और जो लॉफ होती है ब्रेड होता है उसको न्यूज़ पेपर में कवर कर लेता है ले जाने के लिए साथ में। देन ही क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज़, इसके बाद अपने घर के सारे दरवाजे बंद करता है, विंडोज़ को बंद करता है अच्छे से। द पार्ट टू द रिवर ड्रॉप स्टीपली इन टू द वैली, जो रिवर के जाने का रास्ता होता है वो स्टीपली होता है, स्टीपली मीन्स ढलान वाला होता है, नीचे तरफ होता है घाटी की तरफ। देन रोज एंड वेंट राउंड द बिग माउंटेन, उसके बाद वो ऊपर उठता है रास्ता और रास्ता उठता है और जो वो माउंटेन के आसपास से होके गुजरता है रास्ता। इट वॉज फ्रिक्वेंटली यूज बाय द विलेजर्स, द वुड कटर्स, मिल्क मैन, म्यूल ड्राइवर्स, बट देर वर नो विलेजर्स बियॉन्ड द माउंटेन और नियर द रिवर। जो रास्ता होता है, जो सारे विलेजर्स होते हैं इस रास्ते को लेते हैं और जो वुड कटर है वो इस गांव में रहते हैं, जो आसपास के गांव में रहते हैं वहाँ पे मिल्कमैन रहते हैं, म्यूल ड्राइवर्स रहते हैं, वो सब रहते हैं वहाँ पे, लेकिन वो सब माउंटेन और रिवर से बहुत दूर रहते हैं। द बॉय पास्ड अ वुड कटर एंड आस्क हिम हाउ फार इट वॉज टू द रिवर, जो बॉय है वुड कटर के पास जाता है, वुड कटर के पास, और उससे पूछता है कि रिवर यहाँ से कितना दूर है। द वुड कटर वॉज अ शॉर्ट बट पावरफुल मैन with a creased and weathered face and muscles that stood out in hard ugly lump. जो woodcutter है वो short है लेकिन powerful man है। A creased and weathered face means face that shows that the person has had a hard life. जो उसका face है वो बहुत wrinkles लिए हुए है और उसका face से लगता है कि वो बहुत hard life जी रहा है। And muscles that stood out in hard ugly lumps, और जो उसकी muscles है बहुत hard है और जो उसके हाथ पे गांठें पड़ी हुई हैं। सेक्शन टू, 7 miles ही सेड विच वॉज फेयरली एक्यूरेट, जो वुड कटर है बॉय को बताता है कि इतना दूर है, 7 miles दूर है और बिल्कुल एक्यूरेट होता है। वाई डू यू वॉन्ट टू नो, तुम क्यों जानना चाहते हो। आई एम गोइंग टू द रिवर, सेड द बॉय, मैं रिवर के पास देखना चाहता हूँ, बॉय ने बोला। अलोन, अकेले, ऑफकोर्स, बट इट्स टू फार, लेकिन वो तो बहुत दूर है। It will take you the 3 hours to reach there and then you have to come back. तुम्हें वहाँ जाने में 3 घंटे लग जाएंगे और फिर तुम्हें वापस भी आना पड़ेगा। It will be getting dark, क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा भी हो जाता है। Beside, it is not an easy road, और वहाँ पर जाना ईजी भी नहीं है, जो रास्ता है वो ईजी नहीं है। But I am a good walker, said the boy. बल्कि बॉय ने बोला, मैं तो वो अच्छा है, मुझे चलने में मुझे कोई परेशानी होती, मैं आराम से चल लेता हूँ, मैं तो गुड वॉकर हूँ। Thought he had never walked further than the mile from his house to his school. जबकि वो इससे पहले इतना दूर चला भी नहीं था, वो सिर्फ अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर ही जाता था, और लेकिन तब भी उसने बोला मैं तो गुड वॉकर हूँ। ही कैरीड ऑन डाउन द पाथ, वो अपने रास्ते पर चलना शुरू करता है बॉय। एंड द वुड कटर लुकड आफ्टर हिम विद सम मिसगिविंग्स, मिसगिविंग्स मीन्स डाउट अबाउट समथिंग बैड दैट माइट हैपन, एंड डिसाइडेड टू कीप ऑन आई आउट ऑफ द बॉय ऑन हिज वे बैक फ्रॉम द मार्केट। जो वुड कटर होता है वो डाउट में देखता है कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, और वो उसके ऊपर आँखें रखता है, नज़र रखता है कि जाते हुए अपने मार्केट के रास्ते में उसके ऊपर नज़र रखते हुए जाता है। द पाथ वॉज स्टिप एंड द बॉय हैड टू रन मोस्ट ऑफ द टाइम, जो पाथ है वो नीचे से झुका हुआ रास्ता होता है ढलान वाला, तो उसमें जाता है जो बॉयज़ होते हैं उसमें भगते हुए उसको क्रॉस करते हैं रास्ते को। इट वॉज अ डिजी वाइंडिंग पाथ एंड ही स्लिप once or twice and slide into a bush or off the path and down the hill. जो वो path है, जो रास्ता है वो डिजी है, वहाँ पर चक्कर आने लगते हैं क्योंकि वो घुमावदार रास्ता है। जो बॉय है वो जाते हुए उसमें वहाँ पर एक दो बार स्लिप कर चुका है और जाके झाड़ियों में गिर चुका है हिल की। Then hill was covered with lush green ferns. The trees were wound in creepers and a great wild dahlia would suddenly rear its golden head from the leaves and ferns. जो जो हिल है वो कवर है पूरी लश ग्रीन फर्न से, पूरी इनसे पेड़ पौधों से कवर है जो हिल, और जो ट्रीज़ हैं वो लताओं से, बेलों से भरी पड़ी हैं। एंड अ ग्रेट वाइल्ड डहलिया, एक बड़ा सा डहलिया वाला फ्लावर जो है सडनली दिखता है, रेयर करता है, रेज होता है, कहाँ से, लीव्स के और फैंस के बीच में से उसका गोल्डन हेड दिखाई देता है।
Soon the boy was in the valley and the path straightened out and rose. जल्दी ही जो बच्चा है वैली में पहुंच जाता है, अब उसके बाद जो रास्ता है बिल्कुल साफ है. He met a girl who was coming from the opposite direction. वो आगे जाके रास्ते में एक गर्ल से मिलता है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती है. She held a long curved knife with which she had been cutting grass and there were rings in her nose and ears and her arms were covered with heavy bangles. जो गर्ल्स होती है उसके हाथ में बहुत बड़ा सा एक नाइफ होता है कर्व वाला जिससे वो घास काटती आ रही होती है. And there were rings in her nose and ears and her arms were covered with heavy bangles. जो उसके ear में और nose में ring पहने हुए है उसने और जो उसकी arms है वो heavy भारी bangles से cover हैं. The bangles made music when she moved her hands. और जो उसके hand हिलते हैं तो जो bangles पहने हुए हैं वो उसमें sound आता है, music आता है, वो बजती हैं. How far is it to the river? Ask the boy. बॉय पूछता है कि अब रिवर यहाँ से कितना दूर है. द गर्ल हैड ऑब्वियसली नेवर बीन टू द रिवर और से शी मे हैव बीन थिंकिंग ऑफ अनदर वन बिकॉज शी सेड 20 माइल्स विदाउट एनी हेजिटेशन. जो गर्ल होती है शायद उसने कभी पहले रिवर नहीं देखी होती है और या फिर वो कुछ और सोच रही होती है और वो बिना सोचे सोचे में एकदम बिना हेजिटेशन के बोल देती है 20 माइल्स कि अभी 20 माइल्स और दूर है. द बॉय लाफ्ड एंड रैन डाउन द पाथ. बॉय हंसता है आगे रास्ते में बढ़ जाता है. क्यों हंसता है? क्योंकि जो उसने पहले वुड कटर से पूछा था उसने बोला था 7 माइल्स है और गर्ल क्या बोल रही है 20 माइल्स है. तो एक्चुअली गर्ल्स को नहीं पता है मे बी. पैरट सडनली स्क्रिच फ्लू लो ओवर हिज हेड अ फ्लैश ऑफ रेड एंड ग्रीन. एक पैरट सडनली आवाज करता हुआ उसके हेड के ऊपर से गुजरता है जो रेड और ग्रीन कलर का होता है. इट टुक द कोर्स ऑफ द पाथ एंड द बॉय फॉलोड इट्स डिपिंग फ्लाइट रनिंग अंटिल द पाथ रोज एंड द बर्ड डिसअपेयर्ड अमंग द ट्रीज. जो बॉय होता है वो जो पैरट होता है आगे बढ़ के उड़ जाता है तो वो उसको फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है बॉय और वहाँ तक फॉलो करता है जब तक तो उसको आगे रास्ता और दिखाई नहीं देता. और जो बर्ड होता है वो आगे जाके ट्रीज में डिसअपेयर होता है, खो जाता है. अ ट्रिकल ऑफ वाटर केम फ्रॉम द हिल साइड एंड द बॉय स्टॉप टू ड्रिंक. जो वाटर है हिल साइड से निकल के आ रहा होता है और बॉय उसको पीने के लिए रुकता है वहाँ पर. द वाटर वॉज कोल्ड एंड शार्प बट वेरी रिफ्रेशिंग. जो वाटर होता है बहुत ठंडा होता है लेकिन बहुत रिफ्रेशिंग होता है, ताज़ा होता है. हाउ एवर इट सीम टू हैव द इफेक्ट ऑफ मेकिंग हम थर्स्टियर. इस वजह से जो बॉय होता है वो पानी पी रहा होता है और उसको उतना अच्छा लगता है पानी, जब भी उसकी प्यास नहीं बुझती तो उसको और पीता है. द सन वॉज स्ट्राइकिंग हिज साइड ऑफ द हिल. स्ट्राइकिंग मीन्स शाइनिंग. जो सन होता है वो हिल की तरफ से शाइन करता हुआ दिखाई देता है. एंड द डस्टी पाथ बिकेम हॉटर. और जो वहाँ पर ख़राब रास्ता होता है वो गर्म होता जाता है और ज़्यादा. द स्टोन्स क्रॉचिंग द बॉयज़ फीट. जो वहाँ पे पत्थर होते हैं वो बॉयज के पैरों में चुभने लगते हैं. ही वॉज श्योर ही हैड गॉन हाफ वे. अब उसको पता लग जाता है कि वो आधे रास्ते तक पहुँच चुका है. ही हैड वॉक्ड फॉर ओवर एन आवर. वो एक घंटे तक वहाँ पर वॉक कर चुका है, वहाँ तक आने में उसको एक घंटा लग चुका है. प्रेजेंटली ही सॉ अनदर बॉय अहेड ऑफ हिम ड्राइविंग अ फ्यू शीप डाउन टू द पाथ. वो आगे प्रेजेंटली मीन सून आगे जाके उसको दूसरा बॉय मिलता है जो अपनी शीप्स को भेड़ों को चरा रहा होता है यहाँ पर. हाउ फार इज़ द रिवर ही आस्क. वो पूछता है बच्चे से, उस बच्चे से कि रिवर अब कितना दूर है यहाँ से. द विलेज बॉय स्माइल्ड इन अ फ्रेंडली वे एंड सेड ओ नॉट फार जस्ट अराउंड द नेक्स्ट हिल एंड स्ट्रेट डाउन. वो कहता है, वो स्माइल करते हुए बोलता है नहीं अब तो बहुत दूर नहीं है, यहाँ जो हिल है इसको राउंड को क्रॉस करोगे यहाँ पे उसके पास आपको सामने वो दिखाई देगी. The boy feeling hungry unwrapped his loaf of bread and broke in it half offering one portion of the village boy. जो बॉय होता है उसको भूख लग रहती है, वो अपनी जो रैप करके कहते हैं न्यूज़पेपर में ब्रेड को उसको हाफ पीस करता है उसको और एक पीस उसको जो बॉय को देता है और एक पीस अपने पास रखता है. दे सैट ऑन हिल साइड एंड एट इन साइलेंस. वो हिल साइड पर बैठ जाता है और दोनों साइलेंस चुप होकर उसको खाने लग जाते हैं ब्रेड को. वैन दे हैड फिनिश द वॉक ऑन टूगेदर एंड बिगेन टॉकिंग. जो ब्रेड खा लेते हैं, खत्म कर देते हैं उसको, तो वो खड़े होकर वॉक करते हैं, वॉक करते हुए आगे बात करते हुए चलने लग जाते हैं. द बॉय डिडंट नोटिस द स्मार्टिंग ऑफ हिज फीट एंड द हीट ऑफ द सन एंड द डिस्टेंस ही हैड कवर एंड द डिस्टेंस ही हैड जेट टू कवर. स्मार्टिंग ऑफ हिज फीट मीन्स पेन इज इन हिज फीट.
जो बॉय होता है वो इतना चलते चलते बात करते हो, बच्चे आगे बढ़ता है बॉय से, और वो नोटिस भी नहीं कर पाता कि जो उसके वो फीट में जो इतना पेन हो रहा है चलने की वजह से, ये वो इतनी वहाँ पे इतनी तेज़ धूप हो रही है और धूप में चलता जा रहा है वो बच्चा, और इतना उसने जर्नी कवर कर लिया है इतना, और उसे आगे जाके भी इतनी कवर करनी है, और वो चलते जा रहा है और उसको नोटिस भी नहीं कर रहा कि उसकी जो पैर है उसमें कितना पेन हो रहा है। बट आफ्टर सम टाइम हिज कंपेनियन हैड टू डाइवर्स अलोंग अनदर पाथ एंड द बॉय वॉज वंस मोर ऑन हिज ओन। डाइवर्स मीन्स टेक अनदर वे। जो बच्चा होता है, जो दूसरे बच्चे उसको मिलता है बॉय, वो आगे जाके उस रास्ता उसका अलग बदल जाता है, दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं और बॉय अपने रास्ते पर आगे अकेला चलने लग जाता है। ही मिस द विलेज बॉय, ही लुक अप एंड डाउन द माउंटेन पाथ वॉ बट कुड सी नो वन। जो बॉय होता है वो आगे बढ़ जाता है लेकिन वो विलेज बॉय को मिस करने लग जाता है आगे जाके, क्योंकि आगे जाके माउंटेन पाथ पर उसको आगे कोई भी नहीं मिलता है वहाँ पर। फिर हिज ओन होम वॉज हिडन फ्रॉम व्यू ऑफ बाय द साइड ऑफ द माउंटेन एंड द रिवर वॉज नॉट इन साइट आइदर। जो आगे जब बॉय बढ़ जाता है तो उसका माउंटेन जो होता है वो इतना बड़ा होता है कि अब उसको माउंटेन की दूसरी तरफ से अपना घर भी नहीं दिख रहा होता है, और ना ही अब उसको रिवर भी दिखाई दे रही होती है। ही बिगेन टू फील डिसकरेज। अब वो थोड़ा सा मायूस होने लगता है कि वो इतना दूर आ गया है कि अब उसको घर भी नहीं दिख रहा और रिवर भी नहीं दिख रही। इफ समवन हैड बीन विद हिम ही वुड नॉट हैव फेल्टर्ड, वुड नॉट हैव फेल्टर्ड मीन्स वुड नॉट हैव हेजिटेट और फेल्ट डिसकरेज। अगर उसके साथ कोई होता तो वो इतना मायूस अपने आप को फील नहीं करता। बट अलोन ही वॉज टायर्ड एंड लोनली, ही वॉज सॉरी ही हैड फिनिश्ड द ब्रेड, ही माइट वॉन्ट इट लेटर। अब वो अलग अकेला चले जा रहा है, अब वो सॉरी फील कर रहा है कि उसकी जो ब्रेड थी उसने पहले खा ली और आगे जाके शायद उसको भूख लग सकती है। येट ही हैड कम मोर देन हाफ वे एंड ही कुडंट टर्न बैक। अब वो आधे रास्ते पहुँच चुका, यहाँ से वापस नहीं जा सकता, अब उसे आगे बढ़ना ही है। ही हैड टू सी द रिवर, अब उसे आगे जाके रिवर देखनी ही है क्योंकि बहुत आगे आ चुका है। इफ़ ही फेल्ड ही वुड ऑलवेज बी अशेम्ड ऑफ द एक्सपीरियंस। अगर वो यहाँ से वापस जा अपने घर से जाता है बिना रिवर देख के, तो वो आगे जाके एक्सपीरियंस होगा, वो शेम महसूस करेगा कि मैं इतना दूर गया भी और मैं रिवर को देख भी नहीं पाया, मैं वापस आ गया, तो उसके लिए शेम की बात है, इसलिए वो वापस नहीं जा सकता रिवर को बिना देखे। सो ही वॉक्ड ऑन अलॉन्ग द हॉट डस्टी स्टोनी पाथ पास्ट मड हर्ट्स एंड टेरेस्ड फील्ड अंटिल देयर वर नो मोर फील्ड्स और हर्ट्स ओनली फॉरेस्ट एंड सन एंड लोनलीनेस। जो बच्चा है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि पहले तो उसको डस्टी और स्टोनी पाथ दिख रहे थे आगे जाके, मड हट्स भी दिख रहे थे, टेरेस फील्ड दिख रहे थे, लेकिन अब आके जाके उसको वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा, फील्ड्स नहीं दिख रहे, हट्स नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब उसे वहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर्फ जंगल दिख रहा है, सन दिख रहा है और अकेलापन दिख रहा है। नाउ देयर वॉज नो मैन एंड नो साइन ऑफ मैन इन्फ्लुएंस, ओनली ट्रीज एंड रॉक्स एंड ब्रैम्बल एंड फ्लावर्स, ओनली साइलेंस। अब आगे जाके बच्चों को कोई भी मैं नहीं दिख रहा वहाँ पे कुछ भी, अब वहाँ पे सिर्फ क्या है, ट्रीज़ हैं, पत्थर्स हैं और ब्रैम्बल, ब्रैम्बल मीन्स थॉर्नी बुश, जो जंगली वो झाड़ियाँ होती हैं वो हैं, कुछ फ्लावर्स हैं और सिर्फ साइलेंस है। द साइलेंस विज इम्प्रेसिव एंड अ लिटिल फ्राइटिंग। जो साइलेंस है बहुत अच्छा है, वैसे तो शांत है लेकिन थोड़ा बहुत डरावना भी है। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द साइलेंस ऑफ अ रूम और स्ट्रीट, इट वॉज द साइलेंस ऑफ स्पेस ऑफ द अननोन। जो साइलेंस है वो डिफरेंट है, जैसे आप अपने घर में अकेले होते हैं या सड़क पर अकेले होते हैं तो वहाँ भी साइलेंस होता है, लेकिन वो साइलेंस जो डिफरेंट है क्योंकि वो साइलेंस कैसा है कि हम उस प्लेस को जानते नहीं है, वो अननोन है हमारे लिए, तो वो साइलेंस थोड़ा सा अलग है। देयर वाजंट एनी मूवमेंट आइदर एक्सेप्ट फॉर द बेंडिंग ऑफ ग्रास बीनीथ द बॉयज फीट और द सर्कलिंग ऑफ अ हॉक हाई अबव द पाइन ट्रीज। अब वो वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, सिर्फ क्या मूवमेंट हो रही है, जो बच्चा है ग्रास के ऊपर से चल रहा है तो जो ग्रास है वो दब रही है, तो वही इस तरह की थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, और जो ऊपर उसको हवा ऊपर आसमान की तरह दिख रहा है तो जो पाइन ट्रीज है उसके ऊपर से एक हॉक सर्कल कर रहा है। हॉक क्या होता है, ईगल की तरह एक बर्ड होता है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे वो सर्कल करता है, सिर्फ उसको दिख रहा है और इसके अलावा वहाँ पे कोई कुछ कोई नहीं है। देन एज द बॉय राउंड अ शार्प बेंड द साइलेंस ब्रोक इनटू साउंड। जैसे बच्चा टर्न लेता है, एक शार्प टर्न लेता है, तो उसका जो साइलेंस थी, शांति थी, एकदम से वह टूट जाती है, उसको थोड़ा कुछ आवाज़ आती है, अ सडन रोडिंग साउंड, एक अचानक सी आवाज़ कुछ उछलने की। द साउंड ऑफ द रिवर, वो क्या थी, वो रिवर की साउंड थी जिसमें पानी उछलता है, वो इस तरह की उसको साउंड आई एकदम से। फार डाउन इन द वैली द रिवर ट्रम्बल्ड ओवर रॉक्स फास्ट एंड फ्रेंजीड। फ्रेंजीड मीन्स अनकंट्रोलेबल। जो बहुत आगे बढ़ता है वो देखता है कि रिवर जो बह रही होती है रॉक्स के ऊपर से, और इतनी तेज़ होती है कि उसे रोकना बिल्कुल मुश्किल होता है, कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी, इतना तेज वो बह रही होती है रिवर। द बॉय गैस्पर्ड एंड बिगिन टू रन। जो बॉय हाँफता है थोड़ा सा और फिर दोबारा भागना शुरू कर देता है। ही स्लिप्ड एंड स्टम्बल्ड बट स्टिल ही रन।
वो फिसलता हुआ लुढ़कता हुआ जाता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता हुआ भागता हुआ चले जाता है। देन ही वॉज एंकल डीप इन द पेनफुली कोल्ड माउंटेन वाटर। वो इतना आगे भागता जाता है जब तक वो रिवर के पास नहीं पहुँच जाता और जो पानी है उसके एंकल तक नहीं पहुँच जाता। एंड द वाटर वॉज ब्लू एंड वाइट एंड वंडरफुल। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वाटर कैसा है, ब्लू है, वाइट है और वंडरफुल है, शानदार है, अद्भुत है। क्लियर? सो फाइनली द यंग बॉय सक्सेसफुली रीच द रिवर। द स्टोरी गिव्स अस अ मैसेज दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इवन आफ्टर सो मैनी हर्डर्स एंड पेन द बॉय रीच हिज डेस्टिनेशन। वी ऑल मस्ट लर्न फ्रॉम हिज राइट। I hope you have understood the chapter well. Thank you.